एक बड़ी घटना, आजादी के 56 साल के बाद जो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय और सीतामढ़ी से लेकर शिवहर और मोतिहारी तक आवश्यक, आजादी के बाद पहली बार 683,000 पानी डिस्चार्ज किया गया है नेपाल के द्वारा। नेपाल में लगातार भारी बारिश, नेपाल के तराई इलाके में फारबिसगंज हो या जोगबनी, बीरपुर हो या जयनगर, लगातार नेपाल के बॉर्डर इलाके में बारिश का होना और संभावना आगे भी, और इस बीच में गंगा का उफान कई दिनों से भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर या पटना के इर्द गिर्द के गंगा के बगल में रहने वाले दियरा और टाल के लोग परेशान हाल में, ना तो कहीं कम्युनिटी किचन खुली, ना ही सूखे राशन दिए गए, ना ही जानवर के लिए चारा की व्यवस्था की गई, ना ही सांप की दवाई दी गई, ना ही पन्नी की व्यवस्था की गई, ना ही डॉक्टर उपलब्ध हुए और आम जन भूख से परेशान होकर बेहाल हो गए। दोबारा गंगा की वो उफान थी जिसमें कोसी और गंगा दोनों के किनारे रहने वाले हम सब का परिवार चिंतित है, परेशान है और सरकार निद्रा में रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। भारत सरकार को निद्रा तोड़नी चाहिए, बिहार सरकार को गहरी चिंता करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि खजाना किसका और खजाने पर अधिकार किसका, टैक्स कौन देता है, और देश के 140 करोड़ जनता के टैक्स से हमारा देश का निर्माण होता है। जो तनख्वाह पे ही है, चाहे वो नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, कर्मचारी से लेके कलेक्टर तक हो, सेना से लेके सिपाही तक हो, डॉक्टर से लेके प्रोफेसर तक हो, टीचर से लेके कोई भी कर्मचारी, वह आपके मेहनत के टैक्स से अपनी जिंदगी चलाते हैं। यह पैसा नेताओं के घर के लिए नहीं, यह पैसा जनता की सेवा के लिए, और जब जनता की मजबूरी पर सरकार की निद्रा नहीं टूटती तब स्वाभाविक है मन में पीड़ा होती, कष्ट होता, दुख पहुंचता है, ठेस होती है, फिर मन में गुस्सा भी आता है। आप सोचिए, अभी दो विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण था लेकिन तीसरा विषय सामने में आता। पहला विषय था
जमीन। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिलीप जसपाल जी को, जिन्होंने मेरी भावना और बिहार की जनता की भावनाओं का आदर किया। समझने की कोशिश, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन सरकार की नेता पदाधिकारी माफियाओं के चंगुल में है। 7,063 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा लिया गया, लगभग 18,000-17,000 बीघा जमीन कब्जे में है और उसका सर्वे नहीं हुआ। आम लोगों के सर्वे के पहले यह सर्वे आवश्यक। सरकार के रजिस्ट्री ऑफिस में सभी जमीन की पूरे कागजात, फिर ऐसे सर्वे की आवश्यकता क्यों महसूस। इसलिए यह जीवन के साथ खिलवाड़ था जिसको मैंने प्रयास किया कि यह तत्काल एक रास्ता निकला। दूसरा विषय था स्मार्ट मीटर, जो आने वाले समय के लिए आम जन के लिए यह नासूर होगा, मोनोपोली बढ़ेगी, लोगों की जिंदगी तबाह होगी। जब 2,000, 5,000, 6,000, 10,000 के बिल के बाद सूद ब्याज के साथ जब 60,000-1,00,000 रुपया चला जाता है, जब बिजली काट दी जाती है, लोग परेशान हाल होते, जिंदगी तबाह हो जाती है, कर्ज पर कर्ज लेते लेते थक जाते हैं, रास्ते नहीं बचते, तब आत्महत्या की ओर मन करता है, व्यथित होता है। और जब मीटर्स रेट 3 गुना बढ़े और एटेंडम किसी के घर में 60,000, 40,000, 1,00,000 से ज्यादा बिल आएगा, अंदाजा कीजिए उसका सूद फिर ब्याज क्या हो। लोग बचेंगे, इस पर मेरी लड़ाई जारी, लेकिन तब तक आज परेशान करने वाला यह न्यूज कोसी में 6,83,000 पानी का डिस्चार्ज हुआ और गंगा का खुद अपने खतरे से ऊपर। क्या क्या कहता है, हम अपील करते हैं आप सबसे, सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार हमेशा दया की भीख मांगता, धर्म जाति के आधार पर। कोसी त्रासदगी आई थी, जिंदगी तबाह हो गई थी, फिर भी वोट किसको मिला था? 5 किलो चावल, 10 किलो 1 क्विंटल चावल और 2 क्विंटल आटा। और आज तक कोसी का कोई भी जमीन रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, आज तक नदी सही तरीके से बांधे नहीं गए, लेकिन वोट 20 सालों से, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, सब कुछ देने के बावजूद भी लोगों ने अपने दर्द को भुला दिया। जाति धर्म के दर्द ऊपर हो, फिर एक बार पुनः यह पीड़ा बढ़ने वाली है। जिस किसी की सरकार आती है, नेपाल से कोई बातचीत नहीं हो पाती, नेपाल हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं। हम 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, 20,000 मेगावाट बिजली हम नेपाल को देना चाहते हैं,
हाई डैम के निर्माण के लिए नेपाल की सहमति आवश्यक है। चाइना के दुष्टता के कारण हम हाई डैम का निर्माण नहीं कर पाते, ना तो हमने फरक्का को विस्तारित करने की कभी प्रयास की, ना तो गंडक, महानंदा, कमला, केहर, कनहर, सप्तकोसी, कोसी, कई नदियों से घिरा हुआ मिथिला कोसी सीमांचल से हम गाद निकाल पाते। आजादी के बाद आज तक गाद निकालने का प्रयास नहीं किए। हर साल करोड़ों अरबों रुपया खर्च होते हैं, साल भर एंटी रोजन वर्क पर खर्च होता है, अस्पर बनता है, लेकिन फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों रुपया बंदर बांट करके नेता से लेकर नीचे तक खा जाता है और हम अपनी किस्मत पर रोते रहते, अपने भाग्य को कोसते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं। नहीं, ये सब प्रकृति या भगवान की देन नहीं है, ये आपदा सिस्टम की देन, नेताओं की देन। जब नदी को नासूर बनाइएगा, जब पर्यावरण को काटिएगा, जब नदी को छेड़िएगा, जब नेचर को मारिएगा, विकास के नाम पर चारों तरफ से गांव को, नदियों को घेर दीजिएगा, नदी पर घर बनाइएगा, नदी को बंद कर दीजिएगा, तो नेचर क्या करे, भगवान क्या करे? और ये नेता और माफिया अपने सहूलियत के लिए सब कुछ कर, अभी से आप लोग जो लोग बांध के भीतर हैं, बांध के बगल में हैं, वह लोग अपने परिवार की हिफाजत शुरू कर दीजिए, अपने जानवर की हिफाजत शुरू कर दीजिए। आप इंतजार नहीं कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, जिंदगी बचेगी, रास्ते मिलेंगे, सफर में हम भी मिलेंगे, कुछ लोग भी मिलेंगे, दर्द भी बांटेंगे, परिवार की तरह जीने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन आप यदि मेरे बीच नहीं रहे, वैसी परिस्थितियां नहीं बनी, स्थिति विकराल हो गई, सरकार दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, रिस्क्यू करने के लिए सरकार के पास कोई पैरामिलिट्री नहीं बचता, पटना के बाढ़ याद है आपको, 11 दिनों तक एक हेलीकॉप्टर नहीं आया था, 9 दिनों तक खाने की व्यवस्था नहीं थी, कोई घर से नहीं निकले थे, कुशात रास्तगी की याद है आपको, भूले तो नहीं, अपनों के आंखों के सामने डूबते हुए बच्चों को, मां को, पिता को, भाई को बिलकते हुए हमने देखा, लेकिन बचा नहीं पाए। इसलिए रुकिएगा नहीं, अपने परिवार और अपने बच्चों की हिफाजत करिए, खाने की चिंता मत करिए, पहले बच्चे और परिवार जो घर में है उसको लेकर के सेफ साइड जाइए, बांध पे भरोसा मत कीजिएगा, और खास तौर पर कच्चे बांध पे। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोसी, कमला, महानंदा, गंडक और गंगा के किनारे जो लोग भी परिवार को लेकर के रह रहे हैं, वह सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मेरा सरकार से अपील है, एनडीआरएफ से लेकर सभी की तैनाती बड़े लेवल पर की जाए,
मुख्यमंत्री जी आप प्रधानमंत्री से बात करें, रेस्क्यू आवश्यक है, सेना की को रेड अलर्ट किया जाए और सीमांचल और कोसी, मिथिला और गंगा के किनारे वाले ताल और दियरा के लोगों की हिफाजत की जाए और जो धन आपके पास है वो जनता का है, उस धन को जनता की हिफाजत के लिए लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। पुनः एक बार 29 तारीख को 10 बजे से आने तक मैं आपके स्वागत के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए खड़ा रहूंगा। शुक्रिया।